Standard 8, History, First Lesson. Audiovisual media are an important source of writing the history of modern India. First picture में हम देख सकते हैं कि टीवी चालू है. टीवी ऑन दिख रही है ना? हाँ. और टीवी में कौन सा चैनल चल रहा है? स्पोर्ट चैनल. तो स्पोर्ट चैनल चल रहा है तो वो जो टीवी में बच्चा दिख रहा है उसने बॉल को किक मारी और बॉल वहाँ से जो निकली वो टीवी में से बाहर आई और वहाँ से जाकर कहाँ गिरी? वो कलर पैलेट दिख रहा है ना? यस. तो उस पैलेट में गिरी और पैलेट में से डायरेक्ट कैनवास पे जहाँ पे पेंटिंग चल रही है उसके ऊपर गिरी. तो पूरा कैनवास खराब हो गया, बेकार हो गया. तो वो जो चीज़ हुई, ये जो बात हुई, वो एक सोशल इशू बनी, कल्चरल इशू बनी. तो फिर ये दोनों भी झगड़ा करने लगे, ये इशू बन गया. तो वहाँ पे एक सोशल लीडर आया, येलो कपड़े पहन के वो दिख रहा है. वो दोनों का इशू मिटाने के लिए एक सोशल लीडर आया और उनमें उनका इशू उसने मिटा दिया. तो उसने एक मेजर कंट्रीब्यूशन किया सोशल और कल्चरल इशू में. तो ये जो सारी बात हो रही थी वो एक इंसान ने डॉक्यूमेंट्री की तरह रिकॉर्ड करके रखी. और बाद में कई दिनों के बाद जब वो पुरानी हुई है डॉक्यूमेंट्रीज, तो बच्चे लोग उसे पढ़ने लगे और उसका वो बच्चा दिख रहा है ना, रीड कर रहा है. हाँ. तो यही डॉक्यूमेंट्रीज आगे जाके स्टडी के लिए यूज़फुल हो गई. तो ये जो हमने स्टोरी अभी देखी उसका हमें यह आंसर लर्न करने के लिए यूज़ करना है. जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं टेलीविज़न है, ऑडियो विजुअल मीडिया में टेलीविज़न तो आता ही है. तो इन सारी वजह से हमें कौन कौन सी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलती है? स्पोर्ट है, फर्स्ट वर्ड है स्पोर्ट. उसके बाद बॉल कहाँ पे गिरी, वो कलर पैलेट मतलब आर्ट है. उसके बाद ये सोशल इशू, कल्चरल इशू, ये जो दो लड़के खड़े हैं, हाँ उनमें जो इशू हुआ, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. बाद में सोशल लीडर एंड पीपल हु हैव मेड देयर मेजर कंट्रीब्यूशन, उनके बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है. ये सारी चीज़ों की जो डॉक्यूमेंट्रीज मिलती है वो देखकर हमें पता चलता है हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था. ये सारी चीज़ें स्टडी करके हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है. और एक चीज़ करनी है, वो क्या है? ये सारी ड्राइंग हमें देखकर ड्रॉ करनी है, कलर करनी है और सेम जैसे लेबलिंग किया है उसी सीक्वेंस से लेबलिंग करनी है ताकि ये आंसर हमारा अच्छे से लर्न हो जाए. अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें. हम इसी तरह से हर टॉपिक, आंसर एंड कंसेप्ट पे वीडियो अपलोड करेंगे. सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें. बाय.